नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। दसूहा मार्ग में एक कार खड़े ट्रक से जा टकराई, 3 वर्षीय बच्ची सहित पिता की मौत, 2 गंभीर घायल। एसटीएफ जालंधर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव देवीदासपुरा में 2 नशा तस्करों को किया काबू, 210 ग्राम हेरोइन की बरामद। अमृतसर बस स्टैंड के रामतलाई चौक में बस ड्राइवर और ऑटो चालक में हुई झड़प, यातायात हुआ ठप। और अब हलचल विस्तार से। दसूहा के पास पड़ते कस्बा उच्ची बस्सी के पेट्रोल पंप के पास हुए भयानक सड़क हादसे में 3 वर्षीय बच्ची सहित पिता की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जालंधर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। मृतकों की पहचान युविका और ओम प्रकाश के रूप में हुई है। वहीं कार में सवार गाँव भंगाला मुकेरिया निवासी राधिका और बरिंदर सिंह के सिर पर गंभीर चोटें आने के चलते उन्हें जालंधर के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां अभी भी उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में सवार परिवार जालंधर से अपने गांव भंगाला की ओर जा रहा था, जैसे ही इनकी कार दसूहा के कुछ दूर आगे ऊंची बसी गाँव के पास पहुँची तो कार सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों व एम्बुलेंस की मदद से मुकेरिया के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा 3 वर्षीय बच्ची युविका को मृत करार दिया गया। वहीं पिता ओम प्रकाश की उपचार के दौरान कुछ समय बाद ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा घटना की जांच करने के उपरांत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक एक्सीडेंट का केस आया जो कि उच्ची बसी के लागे होया, वो जो साढ़े को एक युविका नाम की सी 3 साल की गुड़िया भंगाले की, वो साढ़े को ब्रॉडबैंड ही आई है। दूसरा पेशेंट साढ़े को जरा ओम प्रकाश सन ऑफ अशोक कुमार 32 साल विलेज भंगाला तो सगा, वो भी इतने आया तो इतने आके उसकी डैथ हो गई है। इस तो अलावा एक उन्होंने राधिका सी वाइफ ऑफ ओम प्रकाश 35 साल फीमेल ਭੰਗਾਲਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਨ ਆਫ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ 62 ਸਾਲ ਜੰਗਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। एसटीएफ जालंधर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जंडियाला गुरु के गांव देवीदासपुर से 2 नशा तस्करों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसटीएफ के अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पकड़े गए दोनों आरोपी गांव इब्बन कला जब्बाल रोड के रहने वाले हैं, जिनके पास से 210 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनसे पता लगाया जा सके ये कहाँ से हेरोइन लाकर आगे कहाँ सप्लाई करते थे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जंडियाला गुरु मौजूद सी, उत्थे मुख बन्ने तलाह दित्ती है वी 2 मुंडे आ, एक दा नाम हैगा अमृतपाल आ अमृतपाल सिंह उर्फ अमर सन ऑफ, दूजा हैगा बिने उर्फ जैला। यह पिंड हैगा इब्बन कला झुहार रोड ते अमृतसर पैंदा आ। ये जड़ी इत्थे पिंड देवीदासपुर आ, उत्थे हैरोइन की सप्लाई देन आ रहे आ, ते उत्थे मौजूद आ मोटरसाइकिल ते खड़े आ। जदों पुलिस पार्टी ने रेड कीता ते मोटरसाइकिल ते खड़े काबू आ गए आ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 210 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰਾਮਤਲਾਈ ਚੌਂਕ ਮੇ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੀ ਬੱਸ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਸੇ ਬੱਸ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਸੇ ਮਾਰਪੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से ऑटो चालक को बस ड्राइवर के चंगुल से छुड़वाया। वहीं हालात को गंभीर होता देख ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी की ओर से बस स्टैंड चौकी को सूचना देकर बस ड्राइवर को काबू कर बस को चौकी में लाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित ऑटो चालक ने बताया कि उसका ऑटो बस से लगने के चलते रोडवेज के बस ड्राइवर और
उसके लगभग 10 साथियों की ओर से उसके साथ मारपीट की गई और लोगों ने उसकी जान बचाई। तो वहीं उसने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाते हुए बस ड्राइवर पर बनती कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी ने बताया कि इस घटना के चलते सड़क पर काफ़ी जाम लग गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों को बस स्टैंड चौकी भेज दिया गया है। जल्द ही बनती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं ASI शो कुमार हाँ, मोबाइल ट्रैफिक जी साड़ी गड्डी है 3 नंबर रामतलाई चौंक चलती है, उत्थे सानू इनफॉर्मेशन मिली कि पुल उतरद सारी काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाए, तो जो सू खबर मिली उस वक्त अं आ गए। इतने आके वेख्या कि रोडवेज की बस आ रोडवेज की 5 बस आ, कोई आटो वाला लग गया, तो वो बाद 112 नंबर जी जी गई है उन्होंने अरैक्ट कर लिया बंदा, वो अपने को बिठाया हो, बाकी तफ्तीश तो पता चल जाएगा कि कसूर कहता वा गलती कहती है, वो मुताबिक उसकी कार्रवाई हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृतसर दौरे पर पहुंचे। इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रदीप पुरी की ओर से सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका गया और सरबत के भले की अरदास की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो नया गठबंधन बना है वह सफल नहीं हुआ है, वे नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। आर्थिकता के स्तर पर भारत 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है और आने वाले कुछ महीनों में 3रे स्थान पर पहुंच जाएगा। वहीं चुनाव लड़ने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि वे पिछली बार भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और इस बार भी नहीं लड़ेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। असी सारे बहुत खुश नसीबा जी, पार्टी ने यह तय किया कि अमृतकाल साढ़े माननीय प्रधानमंत्री जी उन्हों का संकल्प है कि 2047 तक असी एक विकसित देश या डेवलप कंट्री होवांगे। अज गुरु की नगरी आन का मौका मिलया, तो इतों की जड़ी माटी है उन्होंने ले जा के कलश कर्तव्य पथ देश भर तो मेरी तो ड्यूटी लगी इतने आन की, बाकी पार्टी के तरफों साढ़े बाकी सारे मंत्रिमंडल के मेरे साथी ने साढ़े बाकी MP साहिबान ने सारे योजे प्रोग्राम कुछ दिन चलेगा, तो बाकी मैं थोड़े सारे बधाई देना चाहना। हाँ चंद्रयान की और चंद्रा मामा के पुत्र तो पहुँच गए हाँ, तो मैं क्योंकि हाउसिंग मिनिस्टर हाँ, मैं अपने दिल्ली से क्रेडाई का फंक्शन से उन्होंने कह रहा है, मैं यार एक काम करना तुसी, वो साइंस फिक्शन जी है ना वो रियलिटी हो रही है हूँ, पर उत्ते जो जाके कॉलोनियाँ कट्टोगे तो चंगे साइज दियाँ कटना, ये ना कहना वो जैसा गलियाँ गुलियाँ छोटिया छोटिया कॉलोनियाँ ना ना, वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो वड्डे मतलब खुले दिल ना हूँ इतने इंजेगा कि जो से मैं लग रहा है कि जो परमानेंट प्रेजेंस होएगी तो इतने गुरु की नगरी की पवित्र जड़ी मिट्टी है वो भी असं चंद्रमा तक पहुँचावे। पंजाब में बह रहे नशे के छठे दरिया को रोकने के लिए पंजाब सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना करते हुए SSP अमृतसर देहात सतिंदर सिंह के दिशा निर्देशों के अनुसार जंडियाला गुरु शहर में SP हेडक्वार्टर जसवंत कौर और शहरवासियों की अगुवाई में जंडियाला गुरु शहर में मार्च निकाला गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए SP जसवंत कौर ने बताया कि पंजाब को रंगले पंजाब के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये नशे की चपेट में आ चुका है। नशे की दलदल में नौजवान लड़के लड़कियां धस चुके हैं। नशे को खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए। अगर कोई नशा करता है तो उसे प्यार से समझाओ, ना कि नफरत करो। नशों के नुकसान के बारे में स्कूलों में जाकर बच्चों को भी बताया जाएगा और बच्चों को खेलों के प्रति उत्साहित किया जाएगा। इस मौके पर शहर निवासी राजीव कुमार माना ने कहा कि पंजाब पुलिस का ये बहुत बढ़िया प्रयास है, नशों के कोहड़ को खत्म करने के लिए हर कोशिश की जाएगी। वहीं इस यात्रा में अलग अलग जथेबंदियों के लोगों ने भी भाग लिया। इस मौके पर DSP कुलदीप सिंह, DSP सुच्चा सिंह, SHO लवप्रीत सिंह, एडवोकेट राजकुमार मल्होत्रा, सांझ केंद्र के जिला इंचार्ज ASI रंजीत सिंह, ASI हरदयाल सिंह, गुलशन जैन, रजनीश जैन, जगदीप मेहता, एडवोकेट जगदीश कुमार, जज आशु गाबा, दीपक शर्मा, साहिल शर्मा, महेंद्र पाल, राजेंद्र नीटू भी इस सद्भावना यात्रा में शामिल हुए। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट।
ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਨਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਰਾਏ ਪੈ ਗਏ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੈਨ ਜੀ ਭੱਠਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ फगवाड़ा में सुबह ट्रक को ओवरटेक करते हुए फेट लग जाने के कारण कार गंदे नाले में गिर गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये कार फगवाड़ा की ओर जा रही थी और थार को ओवरटेक कर रही थी। इस दौरान कार को ट्रक की फेट लग गई जिस कारण कार नाले में जा गिरी। कार में दो लोग सवार थे जिन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल पहुँचा दिया गया है। फगवाड़ा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 8:15 ਦਾ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਦੋ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸੁਧਰਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸੀਗੇ ਫਟਾਫਟ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕੋ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਚਿਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ जिसके चलते मनजिंदर सिंह सिरसा अपने कार्यकर्ताओं के साथ सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु घर में माथा टेक कर सरबत के भले की अरदास की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में अपना शीश निवाने आए हैं और वाहेगुरु जी का शुक्राना अदा किया है। उन्होंने कहा कि अपनी सिख कौम की आवाज़ को ऊपर उठाने के लिए गुरु महाराज उन्हें शक्ति दें। उन्होंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसके जरिए अपने लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि उनकी बहुत सी मांगे हैं जिनका कोई हल नहीं निकला। वे गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने आए हैं और वे खुद ही इन मसलों का हल निकालेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸ਼ੀਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਛੋਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹ ਮਾਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਕੋਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੋਡ ਪਰ ਸਥਿਤ ਡੀਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖੁੱਲਰ ਕੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਮੇਂ ਸਭੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੋਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ADCP 2 ਆਦਿਤਯ ਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋ ਲੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਗਸ਼ਤ ਕੋ ਬੜਾਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਗਈ। तो वहीं गत दिनों GS मेडिकल स्टोर में हुई लूट की घटना के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। इस मौके पर एसोसिएशन के सभी सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं प्रदीप खुल्लर
मुख सेवादार डीसी मार्केट एसोसीएशन जलंधर, अज असी सारे मार्केट निवासी जड़े हैं मानयोग एडीसीपी सिटी टू आदित्य जी नूं मिलन आए हैं आईपीएस अफसर ने। बीते दिन साढ़े छोटे भाई बिक्की जी की दुकान के उत्ते मैडिकल स्टोर के उत्ते स्नैचिंग हुई है, लुटखो हुई है, उहदे नाल इन्हां दे उत्ते तेज तार हथियारां नाल वार किया गया। 2.5 लाख के करीब जी नकदी जोड़े वो चोर लै गए हैं। उसने यह दसन आए हैं भी असी तुहाडे नाल कोऑपरेट करन नूं तैयार हैं, साढ़े पैसे मिलन चाहे ना मिलन, मोबाइल मिलन चाहे ना मिलन, सानू कोई नहीं। जिहड़े बंदियां ने शरेआम पुलिस की नक् के थले थाने तो 150 मीटर की दूरी के उत्ते साढ़े नाल लुट खोह कीतियां, साढ़े बंदियां नूं जख्मी किया, उन्हां नूं फौरन तौर पर फड़ के जो जेल है कपूरथले वाली उह च सुट्टिया जाए ता जो कि अगां तो ऐसे जिहड़ा काम करन लई उन्हां ठल पाई जा सके। द प्रेस क्लब ऑफ अमृतसर PCA के जनरल हाउस ने सर्वसम्मति से प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश गिल की अगुवाई में दूसरी बार उन पर भरोसा प्रकट करते हुए उन्हें सर्वसम्मति से क्लब का अध्यक्ष चुन लिया। इसके साथ ही जनरल हाउस में सर्वसम्मति से राजेश गिल को क्लब की कार्यकारिणी कमेटी गठित करने के अधिकार भी सौंप दिए हैं, जिसके बाद राजेश गिल अब 10 दिनों के भीतर प्रेस क्लब की कार्यकारिणी कमेटी का गठन करेंगे। द प्रेस क्लब में प्रेस क्लब के चुनाव करवाने के एजेंडे के ऊपर राय लेने के लिए जनरल हाउस की बैठक बुलाई गई। इस दौरान 120 से अधिक शामिल हुए प्रेस क्लब के सदस्यों ने अलग अलग मुद्दों के साथ प्रेस क्लब के चुनावों को लेकर अपने अपने विचार पेश किए। बैठक के दौरान जब चुनावों की को लेकर जब एजेंडा पेश किया गया तो बड़ी संख्या में सदस्यों ने मतदान करवाने की जगह सर्वसम्मति से चुनाव करवाने का पक्ष रखा। इस मुद्दे पर लंबी बहस चली। इस मौके पर सर्वसम्मति से द प्रेस क्लब ऑफ अमृतसर के अध्यक्ष के रूप में राजेश गिल को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस दौरान राजेश गिल को पुष्प मालाएं पहनाकर सम्मानित भी किया गया और उन्हें दूसरी बार अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी गई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जिन्ने भी सूझवान समझदार जड़े इत्थे साडे पत्रकार साहिबान ने वो सारे इस गल नूं समझदे सीगे कि बहुत घट वसीलियां दे विच असीं प्रेस क्लब नूं चला रहे हैं। अज देखो तुसीं प्रेस क्लब जिहड़ा उहदा मूँह मत्था बिल्कुल बहुत सोहना निकला है, बहुत वधिया बन गया प्रेस क्लब। और यही देख के ये एक स्टैंप हुंदी है, एक कह सकते हैं आपां कि विश्वास दुबारा जिहड़ा जताया जांदा ना, वो इसे करके हुंदा कि जे साडा उहनां नूं काम पसंद आया, जे उहनां नूं लग्गिया कि इहनां ने इमानदारी नाल काम कीता वा, ते तां ही सारिआं ने सर्वसम्मति की। सर्वसम्मति करके तुसीं देखो हाउस पूरा फुल सीगा अज्ज, और इत्थे जंडियाले तों अजनाले तों मजीठे तों त्रसिक्के तों पता नहीं कित्थों कित्थों जिन्ना पूरा ज़िला जिहड़ा इत्थे टुकिया होया सी सारे इत्थे आए, सारिआं ने एक आवाज़ नाल समर्थन दित्ता। और इहदे जय मां सेवक संघ बाजार पीर बोधला के सचिव सतपाल गुंबर के परिवार की ओर से गली नंबर 7 सेंट्रल टाउन चारंधर में मां भगवती का जागरण करवाया गया, जिसमें विधायक रमन अरोड़ा और दीपक सरगम ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर विधायक रमन अरोड़ा, गीता अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, सुनीता रिंकू, पूर्व पार्षद उमा बेरी, राजू मखीजा, अभिलोच, सुखविंदर बग्गा, राजीव लुद्रा, जतिन गुलाटी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान आए हुए मां भक्तों को सतपाल गुंबर, सुनीता गुंबर, अमित गुंबर, आंचल गुंबर, माही गुंबर, पूनम गुंबर सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राजू मदान, दीपक भल्ला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। मेरा दिल ये कहता है पर मुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरे दिल ये कहता है, मेरे साथी बन जाओ, मेरी नाम चला जाओ, मेरे साथी बन जाओ, मेरी नाम चला Oh,
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। दसूहा मार्ग में एक कार खड़े ट्रक से जा टकराई, 3 वर्षीय बच्ची सहित पिता की मौत, 2 गंभीर घायल। एसटीएफ जालंधर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव देवीदासपुरा में 2 नशा तस्करों को किया काबू, 210 ग्राम हेरोइन की बरामद। अमृतसर बस स्टैंड के रामतलाई चौक में बस ड्राइवर और ऑटो चालक में हुई झड़प, यातायात हुआ ठप। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।